दोस्तों, आज हम लोग बॉलीवुड की एक मात्रा ऐसे गीत के बारे में बात करने वाले हैं जिस गीत को मोहम्मद अजीज साहब, विनोद राठौर साहब, सुदेश भोसले जी, अरुण बख्शी जी, बाली ब्रह्मा भट्ट जी और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी है। और दोस्तों, ये बॉलीवुड की एक मात्रा ऐसा गीत है जिसे इन सभी सिंगरों ने एक साथ अपनी आवाज़ दी है। और ये गीत 90 के दशक में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आज भी हर किसी के जुबान पर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमको बचा ले ओ ऊपर वाले। दोस्तों, सन 1998 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। और ये फिल्म जो है वो अजय देवगन और काजोल की पिक्चराइज फिल्म है। और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल हैं, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। और इस बहुत ही बेहतरीन गीत को मोहम्मद अजीज साहब, विनोद राठौर, सुदेश भोसले, अरुण बख्शी, बाली ब्रह्म भट्ट और आशा भोसले जी ने अपनी आवाज़ दी। और इस फिल्म का संगीत जतिन ललित साहब ने दिया और लिरिक्स समीर साहब ने दिया। वैसे तो प्यार तो होना ही था फिल्म सुपरहिट रही। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप ये गीत सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाएंगे। और दोस्तों, ये बॉलीवुड की बस एक ही ऐसा गीत है जिसे इन सभी सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी है। तो ये एक झलक इस गीत की तरफ। जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। और मोहम्मद अजीज साहब के गीत के बोल यहाँ से हैं। आशा भोसले जी के गीत के बोल यहाँ से हैं। और बाली ब्रह्म भट्ट जी के गीत के बोल यहाँ से हैं। अरुण बख्शी साहब के गीत के बोल यहाँ से हैं। तो दोस्तों, यही बॉलीवुड की एकमात्र ऐसा गीत है जिसे इन सभी सिंगरों ने ड्यूट गाया है, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और वैसे देखा जाए तो इनकी जोड़ी का कोई ऐसा गीत नहीं है जिसे एक साथ इन सभी सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी हो। दोस्तों, बस ये एक ही गीत है जिसे इन सभी सिंगरों ने अपनी आवाज़ दी है। वैसे तो मोहम्मद अजीज साहब ने इन सभी सिंगरों के साथ काम किया है, चाहे वो विनोद राठौर साहब हो, सुदेश भोसले साहब हो, अरुण बख्शी साहब हो, आशा भोसले जी हो या फिर बाली ब्रह्मा भट्ट जी हो, सभी के साथ मोहम्मद अजीज साहब ने काम किया है। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की बस ये एक ही गीत है जिसे इन सभी सिंगरों ने एक साथ काम किया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये गीत जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ये गीत 90 के दशक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और फिल्म भी सुपरहिट रही। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी जो है वो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।